दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेस्टइंडीज का भारत दौरा चल रहा है और उसमें हमने पहले वेस्टइंडीज की टीम को वनडे में धूल चटाई और 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। और अब इसके बाद बारी है T20 श्रृंखला की, और जिसके लिए आज पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं और इनको बीच मैदान में ये कहते हुए सुना गया कि उस खिलाड़ी को वहीं रहने दो। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये तो जानेंगे ही कि वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर क्या बयान जारी किया है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर में कौन है शानदार खिलाड़ी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और ये निर्णय बिल्कुल सही भी साबित हुआ, क्योंकि भारत ने अपने पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज के ब्रांडेड किंग और खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ब्रैंडन किंग की पारी को अंजाम दिया भुवनेश्वर कुमार की पहले ओवर की चौथी गेंद में। दोस्तों, वहीं दूसरे ओवर में जब दीपक चहर गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने फील्डिंग में कुछ बदलाव करने की कोशिश की, परंतु रोहित शर्मा ने इसको करने से मना कर दिया और दीपक चहर से ये कहा कि उस खिलाड़ी को वहीं रहने दो, मुझे पता है कैसे कप्तानी करनी है, तुम अपनी गेंदबाजी पर ध्यान दो, तुम्हारा काम गेंदबाजी करना है, कप्तानी करना नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों रोहित शर्मा कप्तानी करना कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं और कॉन्फिडेंट हैं वो अपनी कप्तानी को लेकर। इसी बीच वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जिस अंदाज में रोहित शर्मा भारत के लिए कप्तानी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो भारतीय टीम को और अधिक मजबूत टीम बनाएंगे और भविष्य में भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे खिताब भी दिलवाएंगे। दोस्तों, फिर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि मैंने उनको आज पहले T20 में कप्तानी करते हुए देखा, वो बहुत ही आक्रामक अंदाज में कप्तानी करते हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको भारतीय टीम की कप्तानी करने का कम अनुभव है, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई सालों से कप्तानी कर रहे हैं और मैं उनकी कप्तानी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं और रोहित शर्मा को उनके कप्तानी के बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, ये था वीरेंद्र सहवाग का बयान रोहित शर्मा की कप्तानी पर। इससे तो साफ यही पता चलता है कि वो कितने काबिल कप्तान हैं रोहित शर्मा। और दोस्तों, रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में विजेता बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब विराट कोहली भारतीय टीम के लिए कप्तानी कर रहे थे, उस दौरान एक T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था, परंतु दोस्तों इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बुरी तरह से हार गई थी और सब विराट कोहली की कप्तानी की बुराई कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस बार भारतीय टीम के पास विराट कोहली से भी अच्छा लीडर है। अब देखना यह बड़ा ही मजेदार होगा कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप किस तरह से लीड करते हैं और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के नाम करते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा इतने काबिल कप्तान है कि वो भारतीय टीम को इस साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता पाए? क्या भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का बयान सही साबित होगा या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।